आपसे कि आपने जब केसी से फोन पे बात करवाया, yes, yes, फोन पे बात करवाने के बाद क्या हुआ? I would really want to say this कि जब मैंने कॉल किया भैया को, they said, they clearly said this कि अगर आपने पहले कॉल किया होता तो हम छोड़ देते. What does that mean? अगर आपने काटना था तो तब भी काटना था. सुना कि उन्होंने कहा किसी ऑफिसर से आपने बात करवाई है, तो मैडम का आगे क्या करा जब हमने ऑफिसर की फोन पे बात कराई? तब शी सेड कि अगर पहले बात की होती तो हम छोड़ देते. पहले मतलब पहले क्या? क्योंकि दे ऑलरेडी हैड रिटन ऑल दीस थिंग्स, ये जितने भी इनिशियल्स लिखे थे, चालान से पहले कॉल की होती तो छोड़ देते. देन व्हाट इज दैट, व्हाट डज दैट मीन? मतलब ये कुछ भी कर सकते हैं. यस, दैट इज द मेन थिंग. मतलब फोन आएगा तो छोड़ भी, तो छोड़ सकते हैं. दैट शुड नॉट हैपन ना. अगर हमारी मिस्टेक है तो फिर तब भी करो. कितने लोग हमने देखे हैं ट्रैवल करते जो बिना हेलमेट के भी निकल रहे हैं. आप कहाँ से आ रहे थे, कहाँ से जा रहे थे? We were actually here for returning. हमारी सिस्टर की शादी थी तो हम आए थे यहाँ पे लहंगा रिटर्न करने के लिए. ठीक है. We were in hurry. We had our exam 2:30 तक. हमारा एग्जाम था 2:30 to 3:30. ठीक है. तो we were already getting late. We had all the documents. We are having mask as well. We are having a helmet too and all the documents. Somebody else stopped us as well and they asked for the documents. We showed them and they said you may go. बट यहाँ पे सिर्फ पोल्यूशन के चक्कर में उन्होंने रोका. पोल्यूशन से हमारी लाइफ की तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना. मतलब आपको ये तो नहीं लगता कि अगर मैंने फोन करवाया है तो उस चीज का बदला लिया गया है कुछ ऐसा? आई थिंक दैट इज द मेन प्रॉब्लम. अगर हमने फोन करवाया भी है, आपका रूल तब पता चलता है अगर आप तब भी ना छोड़ो. तब आप कह रहे हो कि फोन पहले करवाया होता तो हम छोड़ देते. दैट इज रॉन्ग. मतलब अगर मुझे भी छोड़ दिया होता ना तो भी आई वुड हैव सेड द सेम थिंग, दैट इज रॉन्ग. कि हमने फोन करवा दिया तब आप छोड़ देते. आपके साथ साथ और कितनी स्कूटीज या बाइक हमारे साथ गया? हमने दो गई हैं, हमें रोका और उनको नहीं रोका. दे वर नॉट इवन वेयरिंग हेलमेट. लगातार लोग जा रहे हैं. आप देखो सामने सामने देखो कितने लोग जा रहे हैं. नोबडी स्टॉपिंग एनीबडी. आपको लग रहा है ये नाका जो है आपके लिए परेशानी का सबब है या फिर हमारे लिए सही है? दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग. अगर तो वायलेशन है ना, एग्जैक्टली दिस इज अ वायलेशन. इन सब चीज़ों का कोई फायदा नहीं है क्योंकि ये सिर्फ लोग सुनते हैं और निकाल देते हैं. नोबडी एक्चुअली ये चीजें आगे तक पहुंचती थोड़ी ना है. आप यहाँ पे देखो पीछे वाले ने हेलमेट नहीं पहनी. वो देखो वो बिना, दोनों बिना हेलमेट के हैं. उन्हें कौन रोक रहा है? आप लोग नहीं है यहाँ पे. वो देखो वो बिना हेलमेट के जा रहे हैं. इनकी मर्जी के अकॉर्डिंग चीजें होती हैं. रूल सबके लिए बराबर होने चाहिए. हमारे पास सब कुछ है. जिन्होंने हेलमेट तक नहीं पहनी उनके पास डॉक्यूमेंट्स होंगे कि नहीं? नोबडी नोज दैट. क्या ही बोलेंगे, वही कोई ऑफिसर होता अपना काम सिलेक्टिव चलान हो रहे हैं. मतलब जो लोग गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं उनको छोड़ा, उनको छोड़ते क्यों नहीं? आज मैं भी गसेट पोस्ट में होती, मैं कार्ड दिखाती, 100 काम को मेरे से पड़ेंगे, मुझे क्यों पकड़ेंगे मैम? अरे मुझे बताओ, ऑब्वियसली सर किसी को भी अगर आज मेरे पास कोई गसेट पोस्ट होगी तो मैं एक कार्ड दिखाऊंगी तो मुझे नहीं छोड़ेंगे? आपको लगता है कि ऐसा रूल्स नहीं है आम जनता के लिए ज्यादा है या कुछ पर्टिकुलर लोगों के लिए ज्यादा है? आम जनता के लिए बहुत ज्यादा दिक्कत वाली बातें हैं क्योंकि अगर आप लोगों के पास कोई पहुंच है तो आपके काम इजीली हो सकते हैं और अगर पहुंच नहीं है तो देन दे ऑल एवरीथिंग डजंट वेट. ऑफ कैमरा कहा कि ये इंडिया है, भारत है, इसलिए यहां पर ऐसा कुछ. एग्जैक्टली, अगर बाहर कहीं होता, अगर आप किसी ऑफिशियल से बात भी करवा रहे हैं तो भी आपका ये सब कुछ होगा, तो भी ये चीजें होंगी. यहां पे इंडिया है, करप्शन इज ऑन पीक, एवरीथिंग इज ऑन पीक. शी क्लियरली सेड कि अगर आपको कोर्ट वाला करना है तो ठीक है, यहीं पे रफा दफा करना है तो 500 का चालान कट जाए. एंड गिविंग अस व्हाट डज दैट मीन? कोर्ट वाला, कोर्ट वाले के लिए वो क्या बोला जा रहा था? और यहां के कोर्ट का 10,000 स्टूडेंट 10,000 कोर्ट के पर्चे निकालने के लिए जाएगा. लाइक सीरियसली, हर बंदे को धमकी दिया गया है. एग्जैक्टली, हम धमकी भी कहो कि आप कोर्ट में जाओगे 10,000 पे ऐसे आपको सुनाने यहां पे निकलेंगे. मैडम नहीं, मैडम चले गए यहां से रफू चकरोगे. व्हाई डिड शी लीव? इफ शी वाज राइट, व्हाई डिड शी लीव? शी शुड हैव बीन हियर एंड शी शुड हैव आंसर्ड योर क्वेश्चंस. तो यहाँ पर आप ये चीज़ समझने की कोशिश कीजिए कि आप इस समय ऐसा हो रहा है कि जगह जगह पर नाके लगाए जा रहे हैं, वायरल वीडियो हो रही हैं, ये कहा जा रहा है कि भैया आप कर रहे हैं हमारे भले के लिए कर रहे हैं, पर ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर आप सिलेक्टिव लोगों को पकड़ें या फिर ऐसा हो कि अगर हम किसी से फ़ोन पर बात करा दें तो कोर्ट का चलान नहीं होगा, आपका यहाँ का चलान हो जाएगा. यहाँ पर आप 500 रुपये में छूट जाएंगे, कोर्ट में जाएंगे तो 10,000 का चलान आपको हो सकता है, आपको परेशानियाँ बढ़ सकती हैं. ये चीज़ हम एक्चुअली यहाँ से गुजर रहे थे तो देखा कि चालान कट रहे हैं. हमने कहा कि बहुत बढ़िया है क्योंकि इससे कहीं ना कहीं लोगों को सबक मिलेगा कि आप ऐसे कोई भी चीज़ ना करें जिसके लिए आपके आने वाले समय में आपके लिए, आपके परिवार के लिए परेशानियाँ हो. पर यहाँ पर परेशानियाँ छोड़िए, यहाँ पर वो लोग खुद ही परेशान हो रहे हैं और ये कह रहे हैं कि हम डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं पर डेमोक्रेटिक कंट्री में रहने का भी हमें उस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है,
क्योंकि इस समय यहाँ पर करप्शन जो है वो इतनी पीक पर हो गई है कि हमारे लिए परेशानियाँ बढ़ गई हैं। हम लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं, हमने हेलमेट डाली है, हमने सब कुछ डाला है, अगर हमारे पास पॉल्यूशन नहीं है तो उसके लिए हमने फ़ोन पर बात भी कराई है, और हमने अगर फ़ोन पर बात कराई है तो ये कह दिया गया कि भैया 500 रुपये में आप छूट जाइए, नहीं तो भैया चलिए कोर्ट के चक्कर लगाते चलिए, जितनी देर में चलान कटेगा कटेगा, जितनी देर में आप फ्री होंगे तो होंगे। क्या ये सही है? ट्रैफिक पुलिस का रवैया इस तरह से लगातार बदलता हुआ नजर आ रहा है। आम जनता इससे काफ़ी ज़्यादा परेशान हो रही है, पर अब ये परेशानियाँ क्या आम जनता के लिए और बढ़ने वाली हैं या नहीं, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर बताइएगा। बने रहिए जब परिवर्तन के साथ, मुझे रोहित जी को दीजिए इजाज़त, नमस्कार।